और अब अगले दर्शक को शामिल करते हैं। असम से नोबर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार, किस टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। हाँ जी नमस्कार मैम, मैम मैं यहाँ तेजपुर से बोल रहा था असम। जी जी हेलो, हाँ जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ मैडम, ये विप्रो के शेयर थे मेरे पास, 200 शेयर है 588 के भाव पे। जी तो मैडम काफी साल हो गए, लगभग 3-4 साल हो गए उसको, मैंने होल्ड कर रखा है सर, भाव भी नहीं आ रहा, क्या करूं, होल्ड करूं आगे या फिर उसको सेल करके कुछ और ले लूं? ओके ठीक है, आपकी मदद करते हैं। 600 तो ये तब आपने लिया था जब काफी तेजी में था ये स्टॉक, और उसके बाद आपने यहाँ पर एंट्री ले ली थी। विवेक जी क्या करें, विप्रो में नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और समय भी बहुत दे चुके हैं। 2-3 साल की होल्डिंग है इनकी, लेकिन कोई यहाँ पर रिकवरी नज़र नहीं आ रही है, और इनके लेवल से तो अभी काफ़ी दूर है ये स्टॉक। क्या करें, होल्ड करना चाहिए अभी, थोड़ा समय दे तो थोड़ा कुछ रिकवरी की आशंका है स्टॉक में, विप्रो में। पूजा, जो आईटी सर्विसेज सेगमेंट है, पर्टिकुलरली जो सॉफ्टवेयर वाला है, जिसमें विप्रो भी है, विप्रो, टीसीएस, इंफोसिस, ये जो कंपनीज है, इन पे मैं अभी भी अंडरवेट, और अंडरवेट तो क्या मेरे पास है ही नहीं, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा और अंडर परफॉर्म करेंगे कुछ समय के लिए, और थोड़ा सा और मतलब जब रेट कट्स वगैरह चालू हो जाएगा यूएस में, उसके बाद हो सकता है कि थोड़ी सी हलचल देखने को मिले। तो आपने क्योंकि 3 साल वेट कर लिया है, मुझे लगता है कि और 6 महीने आपको वेट करना चाहिए। अब कंपनी फंडामेंटली बहुत खराब नहीं है, लेकिन जो बिजनेस अंडरलाइंग बिजनेस है वहां पे बहुत स्ट्रेस दिख रहा है, तो ये इमीडिएटली ऊपर नहीं जाने वाला है। मुझे लगता है कि ऊपर जाएगा तो भी 520 तक जा सकता है ज्यादा से ज्यादा, और इसी रेंज में ये ट्रेड होना चाहिए। तो डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है, अपसाइड बहुत लिमिटेड है, और आपको 6 महीना देना चाहिए, उसके बाद एक निर्णय पे निर्णय ले सकते हैं कि इससे निकलना है कि नहीं। है सलाह विप्रो पर आपके लिए, चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए। जी तो मुझे एक क्वेश्चन करना था कि ये 5 पैसा एक कंपनी है जिसका 586 पर मैंने 100 शेयर्स लिए थे, इसको मुझे रिटेन करना चाहिए या नहीं? आपने जब ओके, तो फिलहाल तो आप घाटे में है, लेकिन मुझे ये बताइए कि कब तक के लिए लिया था आपने ये? मैंने 3 मंथ्स से 6 मंथ्स तक रख सकता हूँ। ओके, 586 और 557 का करंट प्राइस। अंशुल, 3 महीने का नजरिया। देखिए कविता जी, 5 पैसा में 131 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया था, लेकिन इमीडिएटली नेक्स्ट वीक में ही ब्रेकआउट फेल हुआ है। जो स्विंग लो था ब्रेकआउट के पहले 489, उसको टेस्ट करके वहां से फ्रेश बाइंग आ रही है। तो लास्ट टाइम जो ब्रेकआउट लेवल था 590, यहाँ पे हल्का सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, प्रोबेबली 2-3 हफ्ते इसी जोन में कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देगा, तो स्टॉक में 800-850 तक की रैली बनेगी। तो बिल्कुल आपको स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, 800-850 तक का टारगेट मिलेगा, थोड़ा सा समय लेगा, 3-4 महीने समय खींच सकता है, और उतना समय आप देने भी तैयार है, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली इसको होल्ड करना चाहिए।